सभी लोगों को, मुख्यमंत्री जी को भी आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, अगर वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, सभी लोगों को निमंत्रण। अदर दल के भी लोग अगर आना चाहते हैं कथा में तो आ सकते हैं, किसी को भी रोक टोक नहीं है, कथा में हर एक लोग को आना चाहिए। पिताजी आने से माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, जिनके माता पिता और बच्चे साथ में बैठ करके कथा सुनते हैं उनका जीवन ऐसे ही सार्थक हो जाता है, भगवान स्वरूप होते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा, ये तीसरा दिन श्रीमद् भागवत कथा का हमने आयोजन किया, और सारे लोग आपके चैनल के माध्यम से, कल भी आप लोगों ने इंटरव्यू लिया, सब लोगों को मैं न्योता दिया कि भागवत कथा में आइए, और जहां माता पिता हैं वहां कथा हो रहा है, और अपने आप ही, और हमने ये कथा अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए और अपने भाई के लिए, सभी लोगों के लिए, और खासकर पूरे बिहार के लोगों के लिए, सब के सुखी संपन्न रहें, मेल मिलाप रहे, भाईचारा रहे, इसलिए हमने इस कथा का आयोजन करने का काम किया। हर एक साल मैं कथा का आयोजन करता हूं, और ये चौथी बार हमने कथा कराने का काम किया, और पिताजी यहां आए, हमें बहुत खुशी हुई कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे, सुनेंगे, और हम सभी लोग जो कथा सुनेंगे, जो गुरु जी हैं मुकेश भारद्वाज जी, बहुत अच्छा कथा वाचक हैं ये, इनसे अच्छा कथा तो हमको किसी का नहीं लगता। और यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, पूरे बिहार के लोग, अपने संगठन के लोग भी, और भी अदर दल के भी लोग अगर आना चाहते हैं कथा में तो आ सकते हैं, किसी को भी रोक टोक नहीं है, कथा में हर एक लोगों को आना चाहिए और कथा सुनना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, सभी लोगों को। मुख्यमंत्री जी को भी आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, अगर वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, सभी लोगों को निमंत्रण। देखिए माहौल, अब पिताजी आने से माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, जिनके माता पिता और बच्चे साथ में बैठ करके कथा सुनते हैं उनका जीवन ऐसे ही सार्थक हो जाता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, और सभी लोग आ रहे हैं कथा में नित्य प्रतिदिन, पूरे बिहार की जनता यहाँ आ रही है, सभी लोग कथा को श्रवण करने का काम कर रहे हैं, सभी लोग चैनल के माध्यम से कथा को सुनने का काम कर रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। सबके लिए कामना है, सबके लिए।